हाय फ्रेंड्स, आज आप बनावे इंस्टेंट मूंग दाल बर्फी। इस दे लई मैं ये एक कटोरी दाल दी लई है। इसनू मैं थोड़ा पानी थानी कट के थोड़ा जा इसनू पौने थोड़ा सका लिया, और तुसी वैसे भी सका सकते हो। इसनू आपां हुण फ्राइंग पैन च पा के इसनू बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेना। ड्राई रोस्ट करके फिर आपां इसका पाउडर बनावांगे। आप हुण इहदे विच पाती जदों तक इस चों खुशबू नहीं आउण लगदी उदों तक इसनू थोड़ा थोड़ा स्लो गैस ते ड्राई रोस्ट कर। इसका रंग भी चेंज हो जूगा। ये बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। जी किसी के आए तो मूंग दाल हलवा बनाने जे बर्फी भी तुम बना के दे सकते हो। बड़ी ही ज़्यादा स्वाद बनती है और घर रखी हुई चीज़ों के नाल ही बन जाती है। देखो हूँ ये नाल भी नहीं लगती और खुशबू भी ये बड़ी अच्छी आने लग गई। रंग भी यदा बदल गया थोड़ा जिन्ना। तो ये हूँ पीसन के लिए तैयार है। इसनों आप हम ठंडा कर लवेंगे। ठंडा करके इसनों फिर पीस के पाउडर बनाएंगे। वैसे तुसी पाउडर भी ले सकते हो, जां दाल नू थोड़ा जा किसी नैपकिन नाल पूंझ के जिहड़ा इहदे विच ते पाउडर जिहा हुंदा उह लै जांदा। सुक्की दाल नू भी तुसी ड्राई रोस्ट कर सकते हो। तो अगे तुसी थोड़ा जा पक्खे थले सका भी सकते हो, और उस तों बाद इसनों ऐ रोस्ट करके आपां इसका पाउडर बना लवांगे। हुण तुसी देखो ये बिल्कुल नहीं लगती। बस हुण इसनों आपां ठंडी होने लई रख दिंदे आ, ते उस तों बाद इसका पाउडर बनावांगे। इसलिए यह तुसी छान भी सकते हो। वैसे मैं छानूंगी नहीं, अहीं बना लवांगे। दाल है अच्छी बर्फी बनती है, और वह मैं फ्राइंग पैन ले लिया उही बेला करके। उस मैं फ्रैश मलाई पाती, तो इसनों आपां मिक्स कर लवांगे थोड़ी जी। एक नाल तो खोए का कम देगी, नाल यह घी का देगी। इस दे विच आपां हुण इह जिहड़े दाल का पाउडर बनाया ये पीस देवांगे, पा देवांगे। ये बर्फी बड़ी टेस्टी बनती है, और इस दे विच तुसी कोई भी ड्राई फ्रूट पा सकते हो। इसनों मलाई दे नाल स्लो गैस ते भुनना है थोड़ा जिहा। इसनों थोड़ा जिहा भुन के आपां इस दे विच जिन्नी क मलाई ली है उन्नी क चीनी पाउडर चीनी पा देंगे। थोड़ी जी मैं तो घट पाऊंगी, तुसी आपदे टेस्ट दे हिसाब नाल पा। बूरा खंड भी पाई जा सकती है, या चीनी नू मिक्सी च पीस के भी पाई जा सकती है। ये हौली हौली घी छड़ जूगी। जदों इस दे विचों घी निकल लग गया भी नाल लैन लग गई फ्राइंग पैन तो, ते उस वेले ये आपां जमा देवांगे। ये बड़ी आसान है। तुसी दाल नू भिओ के उस तों बाद उसका पानी कढ के धो के जा उसनू पाउडर बना लो सका के, ते उस तों बाद तुसी इसनू मलाई पा के फ्रैश, नहीं असी खोआ पाने जां मिल्क पाउडर पाने, पर ये तुसी मलाई पा के नाले ये घी नहीं पाना पैंदा, नाले खोआ नहीं पाना पैंदा, और ये बर्फी साड़ी तैयार हो जाती है। हुण तुसी देखो ये देखो ये घी छट गई। ये
बिल्कुल नालों लेंदी है और ये जमाउन दे लिए तैयार है। बस ये हूँ अपनी बर्फी बन के तैयार है। पाउडर नू तुसी छान भी सकते हो, वैसे दाल ही होंगी है, इस दे विच कोई ओह नहीं होंगे, पाउडर वैसे ही ब्रिक बन जाते, तुसी छान के भी ले सकते हो, कुछ नहीं निकलता उस दे विच, ते इस तरह भी पा सकते हो। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तुसी बर्फी बना के उन्हां दा मिठा खाण नू जदों जी करदा है घर जरूर दिओ उन्हां नू। दाल की बर्फी है, ये हरी दाल की भी बना सकते हो, ये तो धोती मूंगी की भी बना सकते हो। हुण आपां इसनू बंद कर देवांगे ते फिर आपां इसनू किसे ट्रे दे विच, देखो ये बन गया, हूँ मैं इस दे विच जमाता। हूँ इस दे उत्ते आपां जे ड्राई फ्रूट लाउणा है तुसी ड्राई फ्रूट उपर ला सकते हो, और जे नहीं लाउणा तां तुसी जरूरी नहीं है प्लेन रखना। आपां इहदे उत्ते ड्राई फ्रूट पा देणे, मैं बदाम ते पिस्ता आ देखो हूँ अपनी वधिया बर्फी बन के तैयार है। ये हूँ आप थोड़े जे अद्धा घंटा घंटा इसनों रख लवेंगे और उस तो बाद फिर आप इसमें कट्टा। देखो जी अपनी बर्फी होगी तैयार, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, देखो टुटन च बहुत आराम नाल टुटदी है, और देखो बहुत मूँह दे विच घुलन वाली बर्फी है और बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। ये तुसी एक बार जरूर बना के देखियो।